हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव गुलाटी है और मैं हांसी डिस्ट्रिक्ट हिसार का रहने वाला हूँ। मैंने मेरी स्टडी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ से, अपने करियर से लेकर के बहुत परेशान था। मुझे बहुत से मेरी लाइफ में कंफ्यूजन रह रही थी कि मुझे वास्तव में मेरी लाइफ में क्या करना है। फिर मेरी किसी तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे एक ब्रेन वेव टेस्ट के बारे में बताया। मैंने जब उसके बारे में सुना तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि वास्तव में क्या ऐसा होता है, क्या कोई इंसान वास्तव में हमारे बारे में या हमारे माइंड के बारे में पढ़ सकता है। बट मुझे पहले डाउट हुआ, बट जब मैंने उनसे मेरा ब्रेन वेव टेस्ट कराया तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना शौक लगा कि रियलिटी में उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बताया। और उन्होंने जितना भी मुझे मेरे बारे में बताया वो एकदम एक्यूरेट 100% ठीक था। ब्रेन वेव टेस्ट से मुझे मेरी पर्सनैलिटी के बारे में भी पता लगा, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, इनर पर्सनैलिटी कैसी है, आउटर पर्सनैलिटी कैसी है, मैं क्या थिंक करता हूँ, क्या सोचता हूँ, इन सब के बारे में मुझे ब्रेन वेव टेस्ट से पता लगा। उसके अलावा स्टडी के अंदर किस चीज में हमारा मतलब हमारा मन किस लाइन में जा रहा है, सबके बारे में इस टेस्ट से सब कुछ क्लियर। तो जब मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मुझे बहुत से डाउट थे कि मुझे क्या करना है। और ये नॉर्मल बात भी है कि इस एज के मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनको इस बारे में डाउट्स रहते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, उन्हें किस प्रोफेशनल में, किस लाइन में जॉब करनी है, उन्हें जॉब करना है, बिजनेस करना है, अगर जॉब करनी है तो किस फील्ड में करनी है और बिजनेस करना है तो किस फील्ड में करना है। इसके बारे में मुझे उस टेस्ट से मदद मिली। उस ब्रेन वेव टेस्ट के बाद मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमें किस फील्ड में वर्क करना है, किस फील्ड में जॉब करनी है और सब कुछ उसके बारे में मुझे सही से पता लग गया। उनके लिए और मैं थैंक यू करना चाहूंगा डॉक्टर जितेंद्र सर का, जिन्होंने मुझे इस टेस्ट जो जिन्होंने मेरा ये टेस्ट किया और मेरी जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी लाइफ से रिलेटेड उन्होंने मेरी सारी सॉल्व करी। और अब मैं अपने करियर को लेकर के बिल्कुल ओके हूँ। अब मुझे एक रास्ता मिल गया है कि मुझे किस रास्ते पर कैसे जाना है। थैंक यू सो मच।